मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्विस बैंक से काले धन की सूची लाने की बात करते थे, लेकिन सूची एसबीआई की आ गई है, पर पता चला कि 6000 करोड़ बॉन्ड के जरिए काला धन भाजपा ने अपने खाते में डलवाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और कहा कि मोदी ने 2014 में काले धन वाली स्विस बैंक की सूची लाने का वादा किया था। स्विस बैंक की सूची तो आई नहीं, एसबीआई की सूची आ गई। 6000 करोड़ बॉन्ड के जरिए काला धन अपने खाते में डलवाया गया है। देश के 500 से ज्यादा विधायक और सांसद दल बदल कर चुके हैं। 90% लोग बीजेपी में गए। 90% कंपनियां जिन्होंने बीजेपी को बॉन्ड के जरिए पैसे दिए हैं। 50 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा देने वाले पूनावाला कोई कोविड वैक्सीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के सामने कहा था कि स्विस बैंक की सूची लाऊंगा, करोड़ों अरबों रुपए काला धन जिसमें रखा हुआ है और उस सूची के आधार पे काले धन को जिनका भी होगा उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा और सबके खातों में 15-15 लाख डालूंगा। स्विस बैंक की सूची नहीं आई, एसबीआई की सूची आ गई। एसबीआई की सूची में काला धन भारतीय जनता पार्टी के खातों में दिखा। अब देखो 6700 करोड़ रुपए लीगल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी ने इस बॉन्ड योजना के अंतर्गत अपने खातों में डलवाए। जो काला धन अलग से लिया वो इससे 100 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी खरीद फरोख्त हो रही है, 500 से ज्यादा विधायक इधर उधर हुए पूरे देश में इस 10 साल में, और बीजेपी के पक्ष में 90% चले गए। सांसद चुने हुए इधर उधर हुए वो बीजेपी के पक्ष में चले गए, और आप सब ने बताया कि पैसे बगैर कुछ नहीं होता, लेन देन बगैर कुछ नहीं होता है। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, 20 कंपनियां ऐसी निकली जिन पे ईडी और सीबीआई, 21 कंपनियां जिन्होंने ईडी और सीबीआई के छापे डले, उनने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड खरीदी में चंदा दिया। मतलब उधर रेट डल रही थी उसके आसपास इधर उनके चंदे में कोविड यातनाओं का की पराकाष्ठा थी। हर व्यक्ति जिसके पास जो था देने को तैयार हो रहा था, सेवा करने के लिए तैयार होता, गरीब से गरीब भी अपना सब कुछ लुटाने में लगा था। तब नरेंद्र मोदी जी कोविड वैक्सीन कोविड सील के पूनावाला से मिले थे। 22 अगस्त को उनने मुलाकात की, उससे 4 दिन पहले 18 अगस्त को 50 करोड़ रुपए उसी कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया कोविड शील्ड। आप देखो उस मौत के तांडव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जो लूट की नीति है उसको अपनाए रखी। फिर उसी कंपनी को सारे नियमों को शीतल करके कोविड सील की अनुमति सबसे पहली मिली थी, जिससे आज अटैक आ रहे हैं लोगों को, मर रहे हैं लोग, खड़े खड़े गिर रहे हैं लोग, मौत के सौदागर जैसा काम। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर जीतू पटवारी ने कहा कि इतनी भी क्या जल्दी थी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि 4 दिन पहले एक आयुक्त ने इस्तीफा दिया और 4 दिन के अंदर नए आयुक्त बना दिए गए। लोकसभा प्रत्याशी की कांग्रेस की सूची पर जीतू पटवारी ने कहा कि 18 तारीख को बाकी की सभी 18 सीटों पर कांग्रेस के नाम डिक्लेयर हो जाएंगे। मैं चुनाव आयोग को लेकर यह अनुरोध करना चाहता था कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया। क्यों? कोई कारण तो होगा। ऐसा क्यों होता है? और फिर चुनाव आयोग के नियुक्ति के जो नियम होते हैं उसके अनुसार पहले से डिटेल दी जाती, वो नहीं दी गई। हमारे नेता सदन के ने ये पता है, तो मैं मानता हूँ कि ये देश के लोकतांत्रिक आस्थाओं की हत्या करने की जो लगातार साजिश रची जा रही है उसमें से। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।